पूरे देश में रायबरेली वीआईपी शहर के नाम से जाना जाता है, जहां पर गांधी परिवार से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक हल नहीं हो पाई हैं और हर बरसात में नागरिकों को उनसे रूबरू होना पड़ता है। नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर जितने भी अध्यक्ष बैठे उन सभी ने शहर की जल भराव की समस्या का निराकरण का वादा किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। इस बार भी हुई बरसात में सब्जी मंडी, निराला नगर, आजाद नगर, सत्यनगर और मधुवन क्रॉसिंग, घोसियाना जैसे मोहल्लों में जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आरडीए के द्वारा बनाई गई कॉलोनी इंदिरा नगर और मलिक मूवी पीछे नहीं रहा है, वहां पर भी ऐसी ही समस्या अपना मुंह फुलाए बैठी है। इस बार भी जनता वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष को आशा भरी निगाहों से देख रही है और उनसे निवेदन कर रही है कि ये समस्या हल कर दें। तो आज मिली है कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने इस समस्या को अपनी आंखों से देखा। सर, ये वार्ड नंबर 15 आजाद नगर है, फातमा कॉलोनी, फातमा कॉलोनी। और सर, ये कंडीशन ऐसी है कि हम लोग जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोग शहर में आते हैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, सब कुछ के लिए आते हैं। और मतलब इस वार्ड की ऐसी कंडीशन हो गई है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। मतलब बारिश हो जाती है तो स्कूल के लिए दो दो तीन तीन दिन यहाँ पानी भरा रहता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते तीन तीन चार चार दिन। और अपने काम भी पर्सनल निकल, जब पानी कम होता है तो बाइक से छोड़ना पड़ता है बच्चों को, ये जल भराव कारण इतनी ज़्यादा तकलीफ है। अच्छे भविष्य के लिए आए हैं, गांव से निकल के आए हैं, शहर में आए हैं कि सिटी में आके बसेंगे, वहां से अच्छी कंडीशन में जिएंगे, लेकिन गांव से बदतर हालात हैं। मेरा गांव पड़ता है राही डिघिया, वहां पे इससे कई गुना अच्छी कंडीशन है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं वहां से यहां क्यों आ गया, मैं वहीं पर जीता तो इससे अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, शहर में आने के बाद तो इतनी बुरी कंडीशन में जिएंगे तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये पानी जल भराव, मतलब ये नगर पालिका को सोचना चाहिए, पहले से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी बुरी कंडीशन है कि आदमी निकल नहीं पा रहा है। मतलब मैं खुद कैसे निकलता हूँ, कैसे जाता हूँ, बाइक के बगैर निकले बाइक का आधा पहिया डूब जाता है। ये कंडीशन है आजाद नगर की, फार्मा कॉलोनी पैदल नहीं निकल पाते इतने पानी में, कैसे निकले। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।